हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार कई दिनों से विवादों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इन तमाम विवादों के बावजूद भी शो की टीआरपी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लगातार शो से अब दूरी बना रहे हैं जो स्टार्स हैं। कई सारे जो स्टार्स शो से जुड़े हुए थे वो अब इस शो को छोड़ रहे हैं, और अब ऐसे में जो मोनिका भदौरिया है उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको याद दिला दूं कि जो मोनिका है ये वही महिला है जो कि इस शो में बाबरी का किरदार निभाया करती थी, और ये शो से दूरी बना चुकी हैं। शो में इन्होंने असित मोदी के इस शो में 5 सालों तक काम किया, उसके बाद गंभीर आरोप लगाए असित पर और सोहेल पर, और फिर शो को छोड़ दिया। और अब एक ऐसा वाकया बताया है मोनिका ने जो कि हर किसी को हिलाकर रख सकता है, क्योंकि मोनिका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि जो दिलीप जोशी है, जो कि शो में तारक मेहता का, माफ कीजिएगा, जो शो में जेठालाल का किरदार निभाते हैं, उन पर किसी ने कुर्सी फेंकी थी। कौन था वो शख्स, आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए आपको बताती हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप है मेरे चैनल पर नए तो फटाफट से गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। दरअसल मोनिका का कहना है कि जेठालाल पर गुस्से में किसी ने कुर्सी फेंकी, तारक मेहता के सेट पर हुई थी जबरदस्त तरीके से लड़ाई। जी हाँ, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई थी, और ये कुर्सी किसी और ने नहीं बल्कि फेंकी थी सोहेल ने। जी हाँ, सोहेल का नाम कई बार सामने आ चुका है। सोहेल हमेशा से ही ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, चाहे इस शो का कोई सीनियर एक्टर ही क्यों ना हो। और दिलीप के साथ भी सोहेल ने काफ़ी बदतमीजी की थी, उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने कुर्सी फेंक कर दिलीप के सामने मार दी थी। जेठालाल के नाम पर तो शो चलता है, लेकिन बावजूद इसके कोई लिहाज नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर है, मेकर्स है, उनको और वो जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, अपनी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। और यहाँ तक कि मोनिका ने कहा कि जो असित मोदी हैं वो जानते हैं कि सोहेल का बिहेवियर कितना बुरा है, वो बावजूद उसके सोहेल को शह देते हैं और कोई भी कदम नहीं उठा। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोनिका ने आगे कहा कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगी तो आप खुद कहेंगे कि ये कैसे फीमेल से बात करते हैं, बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर है, मेरे पास सारे सबूत है। जी हाँ, ये तमाम खुलासे मोनिका भदौरिया ने एक बार फिर से कर दिए हैं तारक मेहता शो के मेकर्स पर। और वाकई में जब से उन्होंने ये बताया है कि दिलीप जोशी के ऊपर कुर्सी फेंकी गई थी, पर वो फिर भी तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फैंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है वो भी बताना ज़रूरी है, कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।